अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टॉप बॉक्स की एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने कंप्यूटर की स्पीड को ज़्यादा कैसे करते हैं, हाउ टू स्पीड अप योर कंप्यूटर। तो इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपका कंप्यूटर तेज़ नहीं बल्कि बहुत तेज़ हो सकता है। तो सिंपली आपने माई कंप्यूटर में जाना है। माई कंप्यूटर में जाकर लोकल डिस्क सी की प्रॉपर्टी में जाएँ। प्रॉपर्टी में जाने के बाद डिस्क क्लीन अप पर क्लिक करें। डिस्क क्लीन अप करने से ये आपके साथ की एरर फाइल्स सिस्टम सी की लोकल डिस्क सी की सब एरर फाइल्स डिटेक्ट करेगा। इसे ओके करें। ओके करने के बाद डिलीट फाइल्स कर दें। इससे आपके सब एरर फाइल्स डिलीट हो जाएंगे जिससे आपके कंप्यूटर में बेहतरी आएगी। थोड़ा टाइम लगेगा। इसे ओके करने के बाद साकिन दूसरा ये तरीका है कि अपने कंप्यूटर के रन में जाएं। रन में जाने का शार्ट की है विंडोज़ प्लस आर। उसमें जाने के बाद आपने ये लिखना है फीसद टेम्प फीसद। इसे लिखने के बाद ओके पर क्लिक कर दें और आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। मेरे के पास एक ही फाइल है लेकिन आपके पूरा पेज जो है इन फाइल से भरा होगा, तो वो सब की सब डिलीट कर दें। डिलीट जो फाइल डिलीट ना हो उसे रहने दें वैसे के वैसे ही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे डिलीट करने के बाद अपना रिसाइकल बिन चेक करें। इसमें जो चीज़ें पड़ी हैं उन्हें डिलीट कर दें। इससे भी आपके कंप्यूटर में बेहतरी आएगी। और किसी की यूएसबी अपने कंप्यूटर से ना लगाएं। इसके नुकसानात ये हैं कि वो आपके सिस्टम के आपके कंप्यूटर में जो सब सेव पासवर्ड हैं वो भी हैक कर सकता है और आपके कंप्यूटर में वायरस भी डाल सकता है जो आपके कंप्यूटर को स्लो करने का सबब बनेगी। तो किसी की भी यूएसबी फ्लैश ड्राइव अपने कंप्यूटर से ना लगाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने यूएसबी से आप किसी के कंप्यूटर में जो पासवर्ड सेव हैं उसे कैसे हैक कर सकते हैं। अपनी यूएसबी में वो सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बताऊंगा वो इंस्टॉल करके दूसरे के कंप्यूटर में लगा के सिर्फ दो सेकंड में अपने उसके सारे पासवर्ड जो उसके ब्राउज़र में, अगर वो गूगल क्रोम करता है, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स करता है, इंटरनेट एक्सप्लोर करता है, तो वो उसके सब सारे के सारे पासवर्ड ऑटोमेटिकली आपकी यूएसबी में स्टोर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अपनी कंप्यूटर की फ्लैश ड्राइव को एज आ रैम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली मेरी वीडियो जो आ रही है वो आपको बिना किसी दिक्कत के मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।